व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप दोस्तों अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम अपडेट करने वाले हैं नोकिया G10 को। अगर आपका स्मार्टफोन लैग कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये अपडेट आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। और अपडेट के बाद चेक करेंगे क्या इसमें कोई चेंजिंग हुई है या फिर हमें ये स्टेबल वर्जन ही देखने को मिलता है, जो कि जस्ट इम्प्रूवमेंट के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और छोटे छोटे जो बग्स आ जाते हैं, लैगिंग प्रॉब्लम आती है, उसको ठीक करने के लिए आई है। और दोस्तों एक चीज का मैं वीडियो की स्टार्ट में बता दूं, आप कमेंट करते हैं बार बार कैसे डाटा तो रिमूव नहीं होगा। दोस्तों ये जस्ट अपडेट है जो कि स्मार्टफोन के सिस्टम की है और इससे आपका कोई डाटा रिमूव नहीं होगा, ना कोई पिक्चर, ना कोई वीडियो, ना कोई ऑडियो डॉक्यूमेंट, ना ही कोई ऐप, कुछ भी नहीं दोस्तों यहाँ पर आपका रिमूव होने वाला। चलिए शुरू करते हैं। आपको दोस्तों करना क्या है, अपडेट करने के लिए आपको सिंपली इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास वाईफाई है तो वाईफाई से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों डाटा है तो 2 से 3 GB डाटा आपके पास होना चाहिए। ओके, तो आपको आना दोस्तों सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों मैं ब्राइटनेस लेवल को थोड़ा सा दोस्तों कम कर लेता हूँ ताकि आप मोबाइल का डिस्प्ले अच्छे से देख पाए। ओके, तो सेटिंग में उसमें आ चुका हूँ। इसके बाद आऊंगा सिस्टम में। सिस्टम में अपडेट, सिस्टम में आने के बाद आपको चले जाना सिस्टम अपडेट पे। मैं इस पर टैप कर देता हूँ। तो पहले हम करेंगे डाउनलोडिंग, देन होगी दोस्तों इंस्टॉलिंग। अब दोस्तों मेरे पास साइज है दोस्तों 24.98 MB है। आपके पास ये साइज कम भी आ सकता है और ज्यादा भी दोस्तों आ सकता है। मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कैसे आपको इसे अपडेट करना है। ओके, तो वाईफाई यहाँ पर कनेक्ट हो जाए। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों डाउनलोडिंग काफी सारी हो भी चुकी है क्योंकि साइज जो हमारे पास है जस्ट 24 MB है। आपके पास साइज दोस्तों 1 GB तक भी आ सकता है, 500 तक भी आ सकता है। तो हर डिवाइस में साइज डिफरेंट ही होगा और ये जो अपडेट है दोस्तों जस्ट 1 या 2 क्लिक के ऊपर कंप्लीट होगी। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, कोई लंबी चौड़ी वीडियो बनाकर सिंपल स्टेप बाय स्टेप इजी वे के साथ आपको करके दिखाने वाला हूं अपडेट। तो वेट करते हैं, यहाँ पर डाउनलोडिंग कंप्लीट होने देते हैं। पहले होगी डाउनलोडिंग, देन होगी इंस्टॉलिंग। ओके, तो जैसा कि आपने देखा डाउनलोडिंग हो गई है कंप्लीट, ठीक है। और दोस्तों ये जब ये डाउनलोडिंग होगी तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्लो ही होगी, चाहे आपका दोस्तों स्मार्टफोन 4G है या इंटरनेट की स्पीड जितनी भी अच्छी आ रही है, बट दोस्तों इसमें टाइम लग भी सकता है क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन में यहाँ पर डाउनलोडिंग हो रही है जो कि सिस्टम अपडेट के लिए। ओके, तो अब ये जो हमारे पास स्टेज है फिर से कंप्लीट होगी, तो ये अब हो रही है इंस्टॉलिंग। पहले हमने की है डाउनलोडिंग, ये हो रही है इंस्टॉलिंग। वेट करते हैं इसको कंप्लीट। ओके, तो आफ्टर 2 hours डाउनलोडिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब आप सोच रहे हो इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि दोस्तों ये कोई वीडियो की डाउनलोडिंग नहीं है, ये सिस्टम की डाउनलोडिंग है। मींस कि इसमें टाइम जरूर लगेगा। आपके चाहे कि इंटरनेट की स्पीड जितनी भी अच्छी हो, अगर ज्यादा अच्छी होगी तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, बट वैसे इसमें टाइम लगेगा। ओके, तो डाउनलोडिंग कंप्लीट के बाद दोस्तों रीस्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ गया, ठीक है। और आप सोच रहे हैं 24 MB का साइज और इतना टाइम इसमें लग गया, तो ये दोस्तों ये टाइम लगेगा। अगर आपकी 1 GB की अपडेट है तो आपको और ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ रात के वक्त अपडेट पर लगा दें, सुबह तक ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको रीस्टार्ट करना होगा। ओके, तो वेट करते हैं, इसको कंप्लीट सेटअप होने देते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्मार्टफोन कम्प्लीटली तौर पर सेटअप हो चुका है और आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आता हूँ सेटिंग में दोबारा से, नोटिफिकेशन पैनल में चेक करते हैं कुछ चेंजिंग हुई है। आप बोलते हैं फिनिशिंग सिस्टम अपडेट लिखा आ रहा है और नोटिफिकेशन वगैरह सेम है, कलर सेम है, आइकन सेम है, यहाँ पर कुछ भी नया देखने को हमें नहीं मिल रहा। सेटिंग में आ जाते हैं, सिस्टम पर मैं टैप कर देता हूँ। इसके बाद मैं आ जाऊँगा दोस्तों फिर से सिस्टम अपडेट में, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो चेक फॉर अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। एंड्रॉयड वर्जन हमारे पास 10 है, 12 है। चेक फॉर अपडेट के ऊपर दोस्तों मैं टैप कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं योर सिस्टम इज अप टू डेट, मींस कि आपका स्मार्टफोन अपडेट हो गया और आपको स्टेबल वर्जन ही मिला है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।